हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रही है क्लास 8 की केमिस्ट्री की एमसीक्यू की सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे ही क्वेश्चंस हमारे सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर होंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के सवाल की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का सवाल है आपके लिए, एक्सपेंशन गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स बिकॉज दीज गैप्स अकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ रेल्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विदाउट डैमेजिंग द ट्रैक्स। दिस प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन ऑफ। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपके रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप होते हैं, जिसको हम एक्सपेंशन गैप्स नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, सो जब हॉट वेदर होता है, जो आपका ट्रैक होता है वो डैमेज ना हो, इसके लिए कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है? ए ऑप्शन इज फिजिकल चेंज, बी ऑप्शन इज एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स हीटिंग, थर्ड ऑप्शन इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मेटल्स ऑन कूलिंग, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स ये एक आपका फिजिकल चेंज है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्सपेंशन जो होता है वो आपका एक फिजिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस के साइज एंड शेप में फर्क आता है। तो आपके एक्सपेंशन गैप्स इसलिए छोड़ दिए जाते हैं बिकॉज जो आपका मेटल होता है वो हीटिंग के दौरान एक्सपेंड होता है, थोड़ा सा फैलता है, और कॉन्ट्रेक्शन के दौरान मेटल जो होता है वो आपका कूल डाउन हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। सो इसी तरीके की मजेदार वीडियो मैं आपसे जल्द मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।